हूँ कि हम ये झटपट 10 मिनट में तैयार होने वाला नाश्ता बच्चों के टिफिन के लिए, अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए सडनली, तो कैसे बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है और खाने में भी बच्चों को बहुत पसंद आता है और बन भी फटाफट जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। मैं बताती हूँ, ये बेसन है मेरे पास 1.5 कप के लगभग, प्याज है, धनिया पत्ती है बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च, टमाटर, बटर, 1 गिलास पानी है, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और ये मैदा है। मैदा जितना मैंने बेसन लिया है इसका 1/4 है, प्लस बेकिंग पाउडर। और उसके अलावा मेरे पास ब्रेड है। इस ब्रेड को मैं क्या करूँगी, गोल गोल काटूँगी। और सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो बेसन है उसे हम एक डिश में डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ये मैदा, उसके बाद नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें, लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, हल्दी, हल्दी थोड़ी कम दे। अब इसे मैं पानी डाल के हिला लेती हूँ। इसे हमें पतला घोल तैयार करना है, चिलड़े से भी पतला घोल। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें लम्स ना आए। इस तरीके से हमें धीरे धीरे हिलाना है इसे। देखिए एकदम चिलड़े से थोड़ा पतला घोल हमें रखना है। मैंने चिलड़े से थोड़ा पतला कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। उसके बाद इसमें हम बेकिंग पाउडर और धनिया पत्ती, आप चाहें तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो दाल को भिगो के पीस के भी सेम बैटर आप तैयार कर सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्ट आता है इसका। लेकिन दाल के बैटर में क्या करें, मैदा और बेकिंग पाउडर आप ऐड ना करें, बस दाल को पीस के पतला ऐसा बैटर बना के सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब ये मेरे पास ब्रेड है, 2-2 ब्रेड लेके मैं इसका गोल गोल कटिंग कर रही हूँ। ये मेरे पास एक ढक्कन है, उसकी हेल्प से मैं इस तरीके से गोल पीसेस काट के रख रही हूँ। देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करें, इससे खराश आता है, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये जो धनिया मैंने काट के रखा है बारीक, उसे इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया इसमें। ये बैटर मुझे थोड़ा सा जाड़ा लग रहा है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे थोड़ा और पतला करूँगी। हमें एकदम पतला रखना है ताकि ये ब्रेड में अच्छे से लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर तैयार है। आप इसे चख के देख लें, नमक बराबर है नहीं है। उसके बाद हमें करना क्या है, हम पहले फ्राइंग पैन को गरम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये गरम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा बटर लेके पहले फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ इस तरीके से। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब करना क्या है, हमें ये ब्रेड लेके मैं इसमें इसको ऐसे डिप करूँगी अच्छे से। ये अच्छे से डिप करके इस तरीके से हमें अभी इसे इसके ऊपर क्या करना है, हमें
ये थोड़ा सा बैटर लेके, थोड़ा सा बैटर और डाल रही हूँ ताकि इसमें प्याज टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से चिपक जाए इस तरीके से। ये जो कच्ची सब्जियां हैं ये डाली है फ्रेंड्स मैंने, अब फ्रेंड्स में थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें, अब थोड़ा सा बटर और डाल देती हूँ और हम चेक कर लेते हैं कि ये फ्राई हुआ कि नहीं हुआ नीचे से। इसको हल्के से ऐसे प्रेस करके इसको दबा देंगे, इस तरीके से टर्न करना हमें, और दूसरी साइड भी हमें थोड़ा सा बटर डाल के इसे ऐसे ही सेकना है। दो मिनट के लिए और सेकेंगे हम इसे और हमारा आमलेट तैयार है। देखिए अब चेक करते हैं हमारे नीचे साइड में फ्राई हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना फ्लफी है, एकदम सॉफ्ट बना है हमारा। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीके से। अगर अचानक घर में कोई गेस्ट आ जाए तो भी हम एक बहुत अच्छा नाश्ता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, आगे और भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।